Assalamualaikum, good morning, good afternoon, my beautiful dears. Welcome to my channel. आज का मौसम बहुत ही हसीन और खूबसूरत है और मैं बारिश इंजॉय कर रही हूँ और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है. तो हाज़रीन और नाज़रीन, आप भी मज़े करें. सो प्लीज़ ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स एंड कड़क चाय एंड इंजॉय. हमारा टी टाइम होने लगा है और ये चाय पी के थोड़ा सा फ्रेश होंगे और फिर हम शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे. हाथ की सूरत हाल मेरी कुछ ये है, डॉग बाइट नहीं, विथ डॉग बाइट शॉपिंग. ये आप देख सकते हैं, स्वेलिंग, स्टिल स्वेलिंग इज देयर. मेरी वेन्स कुछ नज़र नहीं आ रही बिकॉज स्वेलिंग हुआ हुआ है हाथ में. हम थोड़ी चाय शाय पियेंगे और फिर बाकी शॉपिंग करेंगे. ये आ गया है हमारा चाय वाला बेबी हाउस ऑफ टी. बहुत तारीफ सुनी है, चाय पी के पता चलेगा हम कितने फ्रेश होते हैं. हाँ जी, ये है फिबी केफ मेन्यू. आई डोंट नो व्हाट इज़ गुड हेयर बट आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम द पर्सन. नाउ आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन सी चीज़ सबसे अच्छी मिलती है. मैम हमारा फूड भी बहुत अच्छा है लेकिन हमारी ज़्यादा अभी तो रनिंग पे है. फूड क्लोज है तो हमारी चाय चली जिसमें हमारी सिग्नेचर ज़ैफ़रानी चाय बहुत ज़्यादा रनिंग पे है. ओके और बाकी लेमिनेट्स मिलते हैं जो सारे फ्लेवर्स हमारे पास चलते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं हमारे पास. मीन्स आपके पास ज़्यादातर ड्रिंक्स हैं. ड्रिंक्स हैं, चाय है, चाय के काफ़ी सारी किस्म है. कॉफ़ी है, ब्लैक टी है, सिग्नेचर टी है, इश वाली चाय है. अच्छा, ये सिग्नेचर टी क्या है ये वाली? ये नॉर्मल दूध पत्ती. अच्छा, इलायची विद इलायची मीन्स कड़क चाय. कड़क चाय. उसके अलावा हमारे पास हनी जिंजर टी है, ग्रीन टीज है, हमारे पास काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं. और बाकी उसके साथ रिफ्रेशमेंट में क्या अच्छा है? रिफ्रेशमेंट इस वन. ये मुझे लगता है आपके पास आलू पराठा, आलू चीज़ पराठा ये सब है, राइट? जी. विच वन इज़ गुड? हमारे सब कुछ ही चलते हैं, सैंडविचेज वगैरह ज़्यादा चलते हैं, पराठे भी ज़्यादा चलते हैं, अरेबियन शवारमा. अच्छा जी, मुझे यहाँ का ये है रेड एप्पल. यस, रेड एप्पल. इसका मुझे खाना बहुत अच्छा लगा, इसके रोल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे. सो मैं फिर पहुँच गई हूँ यहाँ पे शॉपिंग के लिए तो मैंने कहा चलो रिफ्रेशमेंट के लिए ये खाया जाए. सो अगेन आई हैव ऑर्डर द सेम थिंग, गार्लिक मायो रोल. बहुत अच्छा है, टेस्ट इज टू गुड. वो कह रहे हैं और भी चीज़ें अच्छी हैं, यू कैन ऑर्डर मोर बट आई वॉन्टेड टू ईट गार्लिक मायो रोल. मैं यहाँ की सही की चटोरी हो गई हूँ. ये देखो कुत्ते ने काटा है लेकिन शौक पूरे करने हैं मुझे सारे. कहाँ से खुलेगा? हस्की के काटने के बाद मुझे में कुछ हस्की की पावर आ गई है आई थिंक. सो आई एम फीलिंग सो हंग्री. अभी हम चाय पीते हैं और ये पिज़्ज़ा इंजॉय करते हैं और फिर बाकी की शॉपिंग. Still shopping. ये वाला टू पीस ठीक है ना? डन है ना ये भाई? ये कर दे एक मिनट. ये समझे, ये शर्ट हो गई ठीक है, ये शर्ट हो गई सही है. फिर क्या है उसके बाद? हाँ हाँ, ओके. वो स्लीव्स हैं. ओके, और ट्राउज़र?
इसी में ट्राउजर्स प्लेन लगा दिया आपने। अच्छा ये कितने का सूट पड़ेगा? ये भी मुझे दे दें एक। राशिद किधर? टाई। ये भी मुझे दे दें एक। इसकी स्लीव्स पे काम नहीं है, लेकिन ये तो मेरा पूरा कट जाएगा, ये गला कहाँ से आएगा इतना? ये आपने इतना बड़ा बनाया हुआ, ये तो इतनी सी बनेगी मेरी शर्ट खाली। कहाँ बना हुआ है मुझे दिखाइएगा प्लीज। ये क्या लीलन है, क्या है? ये मैंने निशात लीलन वहीं दुबई से लिया हुआ है, यही कहा है ना, लेकिन ये वहाँ से लिया हुआ है मैंने। और देखें, अच्छा ठीक है। ये शर्ट हो, ये वो हो गई, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, लेकिन ये फिर इस तरह आएगा, ये कट के लगेगा दामन पे। अच्छा, और फिर इसकी शलवार प्लेन है ब्लैक, और वो ब्लू ब्लू वाला दिखाएं मुझे नीचे। दिखाएं मेरे हाथ पे कपड़ा। ओके ओके, और ये हो गई स्लीव्स, डन हो गया भाई। ये सही बाजी, मुझे जितना दिखाते रहेंगे ना मैं लेती रहूंगी। ये भी अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। फ्रंट है ठीक है, फिर ये बैक आ गया, वो ऊपर स्लीव्स आ गई। ओके मैंने आपको जल्दी जल्दी से अपने शूज़ भी दिखा दिए जो कि मैंने लिए थे स्टाइलो और ECS से, और पैकिंग हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको जल्दी से ड्रेसेस भी दिखा दूं पैकिंग से पहले। एंड इफ़ यू वांट टू सी ये ड्रेसेस कैसे लग रहे हैं, सो यू कैन गो एंड चेक माय इंस्टाग्राम पेज, बिकॉज मैंने वीडियो वहाँ पर पोस्ट कर दी हैं। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अपलोड करूँगी अभी इस वक्त। मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको बाहर का वेदर दिखाना है। इट्स सो ब्यूटीफुल वेदर इन कराची, लेट्स चेक। बहुत ही खूबसूरत और हसीन जो है इस वक्त मौसम हुआ हुआ है। देखें आप ज़रा, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम बहुत हसीन है। आज का प्रोग्राम भी हमारा सेट है। मैं जा रही हूँ, माय सिस्टर इनवाइटेड मी, सो आज मैं जा रही हूँ डिनर पे। और खूबसूरत जो है वो फूल है, ये रहा चमेली। बाजी का चमेली बहुत ही प्यारा है, ये देखें इतने प्यारे प्यारे चमेली हैं। लेकिन ये जो हैं वो बिल्कुल मुरझा गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। बहुत अच्छी ग्रीनरी रखी हुई है बाजी ने, बहुत अच्छे फूल हैं। एक फूल मुझे बहुत, ओह ये रहा मोतिया, ये देखें ये मोतिया, ये रहा नौपालाशा, ये देखें ये बाजी मुझे बहुत पसंद है, ये वाला, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ ये रहा वो फूल, ये देखें कितना प्यारा है, ये भी फूल बहुत प्यारा है। ये बहुत ही खूबसूरत फूल है ये बाजी। वैसे कौन सा फूल है ये वाला?
ये बहुत ही प्यारा है। और लेमन कहाँ गए? लेमन ये रहे, ये रहे लेमन। इतने सारे लेमन, इतने सारे लेमन, बहुत ही पाले पाले से लेमन है, ये देख सकते हैं आप, इतने पाले से लेमन। और ये मैं हूँ, बारिश एंजॉय कर रही हूँ, वेदर एंजॉय कर रही हूँ और गार्डन में मजे कर रही हूँ। लेकिन आपके फूल बाजी बहुत प्यारे हैं। अच्छा जी, सीन कुछ ये हुआ है, मैंने कहा मौसम अच्छा है तो मैंने आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुना दूँ। हुआ कुछ ये था कि मैं गई थी हस्की को देखने, बिकॉज़ हमारे नेबर्स में है हस्की और मेरा फेवरेट पेट डॉग है, तो मैंने सोचा चलो जाते हैं उससे मिलने के लिए। मिलने तो मैं गई उससे, बट आई डोंट नो, सुना ये था कि वो खेलता है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रेंडली है। तो हुआ कुछ ये कि उसने मुझे बाइट कर लिया, और खेलने खेलने में, बिकॉज़ काफ़ी कुत्तों से हम लोग खेलते रहते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है जब कुत्ता गुस्से में होता है, और कुत्ता बोलते हुए भी नहीं अच्छा लग रहा, मीन्स डॉगी जब गुस्से में होता है तो अंदाज़ा हो जाता है। तो वो खेल रहा था मेरे साथ, खेलते खेलते में उसने मुझे बाइट कर लिया। वो वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी विथ फुल इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसके बाद हम इतने कोई परेशान हुए हैं, बिकॉज उस दिन प्रिडिक्शन थी बारिश की, थंडरस्टॉर्म की, और बस मगरिब से पहले उसने मुझे बाइट किया है खेलते हुए। और हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता था कि लियाकत नेशनल में उसकी वैक्सीन है, तो हम फॉरेन इमरजेंसी में वहाँ गए। लेकिन दैट डे वॉज, वहाँ चले तो गए लेकिन रास्ता जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, बिकॉज कुछ हालात ठीक नहीं थे, रोड ब्लॉक थे, बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो आप ये सोच लें कि मगरिब से पहले ये हादसा हुआ और मुझे हॉस्पिटल पहुंचने में तकरीबन 9:30 हम पहुंचे वहाँ पर। फिर इमरजेंसी में उन्होंने बताया कि नहीं, इसको सिर्फ आप वॉश करें, आपको टेटिनस का इंजेक्शन लगेगा और एक जो डॉग बाइट का इंजेक्शन होता है वो लगेगा, बट यू हैव टू कंप्लीट द वैक्सीनेशन। उसके कोई डोजेज़ होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं, तो फिर बाकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक डोज लग चुका है, दूसरा आज मैंने लगवा लिया है, बाकी दो रह गए हैं तो वो भी इंशाल्लाह लग जाएंगे। वो मुझे यूएई में आके लगवाने होंगे, तो मैं उसकी डिटेल भी आपको आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं दोबारा, टू बी कंटिन्यू। ये देखें ज़रा, ये रहा, ये अब येलो हो चुका है एक्चुअली, ये स्क्रैचेस भी हैं, बट ये रहा गाड़ी लेने वाला। यहाँ से आप देख सकते हैं स्वेलिंग है अभी भी हाथ में, ये येलो हो गया है बिल्कुल। यू कैन कंपेयर माय फिंगर्स आर पिंक बट दिस एरिया इज येलो। हाँ, क्या सुहाना मौसम है, यहाँ से आप देखें ये बादल छाए हुए हैं, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ तो जैसे ही बादल कड़के मैं तो फौरन भागकर बाहर आ गई, कि मैंने कहा चलें जी थोड़ी सी वॉक हो जाए, थोड़ा मौसम एंजॉय किया जाए। लेकिन अफसोस की बात, हमारा डिनर था वो कैंसिल हो गया है बारिश की वजह से। तो शॉपिंग तो हो गई कंप्लीट, अब मैंने कराची में अपना लास्ट डे किस तरह से स्पेंड किया और अपनी सिस्टर्स के साथ कैसे एंजॉय किया वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो प्लीज़ देखते रहिएगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे देखते रहिए, न्यू व्लॉग्स और आते रहेंगे और एंजॉय करते रहिए। तो नेक्स्ट व्लॉग तक बुशरा को इजाज़त दे, बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको दोबारा हाथ दिखाऊं, लेकिन मैंने अलग से इसकी एक वीडियो बना ली है, एक अलग से मैंने इस बना ली है एक अलग से मैंने इसकी वीडियो बना ली